तो हमारा पसीना बनके तैयार है, एक प्लेट में उतार लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे बनाना है हमें, तो सारे बना लेती हूँ मैं जब दिखाती हूँ आपको। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जानसुधा ब्लॉग्स में स्वागत है आपका। और आज बनाएंगे हम बेसन और आटे का बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाइए, इवनिंग स्नैक्स में खाइए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च को काट लूँगी, और मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च ले लिया, तो इन्हें पहले काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को छील लिया है, उसके बाद शिमला मिर्च को मैंने धो लिया था, और ऊपर से इस तरीके से इसका पार्ट काट लेंगे और अंदर के बीज निकाल लेंगे। ये देखिए, तो अभी हम काट लेते हैं शिमला मिर्च को, भी काट लेंगे बारीक बारीक इस तरीके से। मैं इस तरीके से काट लूंगी इनको बारीक बारीक। तो यहाँ पे बारीक शिमला मिर्च और प्याज काट लिया मैंने। अब एक बाउल लेंगे, एक कटोरी बेसन लेंगे, एक कटोरी पोहा लेंगे छोटे वाला, ज्यादा भी ले सकते हो अगर आप ज्यादा बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं दोनों को मिला लूंगी, एक कटोरी पोहा लेंगे, थोड़ा सा बेसन और डाल देंगे। अब ऐड कर देंगे हम इसमें सारे मसाले, स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा, स्वाद के अनुसार हींग। मैं इसमें अब हरा धनिया डाल दूंगी, आप टमाटर भी डाल सकते हो अगर डालना चाहते हो बारीक। मैं इसमें टमाटर भी डाल दूंगी एक। छोटा सा टमाटर ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा नाश्ता बनता है। मिला लेंगे इसको, और ये देखिए पोहा हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो 5 मिनट के लिए और रख देंगे हम इसको। लास्ट में डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, मिला लेंगे इसको। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल बैटर सॉफ्ट हो गया, बनने के लिए तैयार है। तो पोहे का भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें पोहा डला हुआ है और बेसन। तो चलिए बनाते हैं अब पैन में। पैन हमारा गर्म हो गया है, तो हल्का सा ऑयल डाल देंगे। बैटर को लेंगे, इस तरीके से फैला देंगे। ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला, ऐसे बनाना है। गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे थोड़ा सा। पलट लेंगे इसको, आज मेरा गला खराब है दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे मैंने चीले को पलट लिया है, अलट पलट लेंगे इसको और करारा होने तक सेक लेंगे। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है, और
मिनटों में बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। फिर से ढक लिया मैंने इसको और उलट पलट लेंगे। थोड़ा सा टूट गया था क्योंकि हमने पोहे से बनाया है, तो कोई बात नहीं, आप इसे बनाइए, दूसरा बना लूँगी मैं इसी तरीके से। ये देखिए फैला लिया मैंने, और धीमी आँच पे इसको बिल्कुल सेकेंगे जब तक ये नीचे से बिल्कुल करारा ना हो जाए। थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। थोड़ा सा बैटर और डाल दिया है और अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। फिर से ढक दिया है और हमारा हेल्थी नाश्ता बनके तैयार है। इसी तरीके से मैंने सारे बना लिए। ये देखिए दोस्तों कितना टेस्टी बनाया था आज का नाश्ता। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी।